हेलो दोस्तों दोस्तों नवाबी शॉप में आज फिर से आया हूँ और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है डिज़ाइनर काइट्स का। आप लोग को मैंने कल दिखाई थी पतंगे जो प्लेन थी, सिंपल थी और अच्छा स्टॉक था उनके पास भी। देखिए दोस्तों एक चीज़ बता दूँ थोड़ा सा पहले, देखिए स्टॉक दोस्तों ख़त्म हो जाता है ऐसा नहीं है, स्टॉक ख़त्म हो जाता है वो मिल जाता है ऐसा नहीं है। कुछ पतंगे जैसे आप लोग को नीली दिखाएंगे, हो सकता बाद में काली आ गई हो, कुछ कलर चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग को अच्छी क्वालिटी दिखाई गई हो और बाद में ख़राब क्वालिटी आ गई हो, ऐसा नहीं होता है। हमेशा क्वालिटी के मैंने जो भी अपनी मेरी खास दुकानें जैसे सी के काइट सेंटर, लोग सोचते हैं मेरी दुकान है, एक्चुअली मेरी दुकान नहीं है, लेकिन आप लोग एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग समझ जाओगे शायद। आसपास एक 6-7 जनरल स्टोर होती हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग एक ही पर्टिकुलर जनरल स्टोर पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसका नेचर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, उसकी जो भी स्टाइल है वो अच्छी लगती है, या हम लोग को ट्रीट करने का सेंस अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग पर्टिकुलर एक जनरल स्टोर पे जाते हैं। वैसे सही के सी के काइट सेंटर का वो है नेचर, उनका ऐसा है कि मुझे अच्छा लगता है उनके साथ टाइम बिताना, उनकी वीडियो बनाना, इसलिए मैं अक्सर उनके पास जाता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी एक काइट शॉप नहीं है, वो एक तरह के सप्लायर हैं, मतलब एक तरह के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो वो उनके पास एक बार में समझ लीजिए 10,000 काइट्स आई, ठीक है, वो 3-4 दिन रुकी फिर बिक गई, सब बिक गई। अब उनके पास जो आएगा नया स्टॉक आएगा, तो जब नया स्टॉक आता है तो मैं वीडियो बनाना चला जाता हूँ, तो इसलिए उनकी सबसे ज़्यादा वीडियो पड़ती है क्योंकि उनका स्टॉक चेंज होता रहता है। उनके पास पुरानी पतंग आपको कोई नहीं मिलेगी थोड़े दिन में, अगर आप 6 दिन बाद जाओगे, जो कल मैंने वीडियो डाला, 6-7 दिन बाद जाओगे उनको पुरानी में से एक भी पतंग नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ होती है, इसलिए उनका वीडियो ज़्यादा पड़ता है। दोस्तों और एक चीज़ बता दूं आप लोग को, 6 रुपए की पतंग जो लोग सोचते हैं अधी मिलती है, वो जयपुर में मिलती है, मुझे पता नहीं क्यों 6 रुपए में मिलती है, वो उसकी क्या खासियत है, मैंने जयपुर की 6 रुपए की अधी कभी यूज़ नहीं करी तो मुझे पता नहीं है। दूसरी चीज़, 7 रुपए की अधी मैंने भी जयपुर से मंगाई है लॉकडाउन के समय, अब मैं बता दूं 7 रुपए की अधी जो वहाँ से आई थी वो कैसी थी, वो जैसे फैक्ट्रीज में बनती है ना, जिसमें तागे वो जो दीलियाँ होती हैं वो सिकी नहीं होती, कागज ऐसी होता है, कोई कमांड हड्डे कोई फिक्स प्रॉपर नहीं होते, उस तरह की पतंग होती है। जो नॉर्मल अधी की स्टार्टिंग प्राइस है वो 10 रुपए से है और 11 रुपए से है, ठीक है, नॉर्मल अच्छी से। और जो काइट मेकर हैं, जैसे लखनऊ में भी मोहिनीपुरवा में काइट मेकर है, आप लोग कोई भी जा सकता है लखनऊ का, जो भी आप जाके एक बार पता कर लो, 13 रुपए की अद्धी है और 15 रुपए का पौना स्टार्ट करते हैं वो लोग। तो सोचिए जब मेन पतंग की कारीगरी 13 रुपए का दे रहे हैं तो आप लोग को कैसे 6 रुपए की मिल जाएगी, 7 रुपए की मिल जाएगी। चलिए ये मैटर छोड़िए दोस्तों, मैंने क्लियर कर दिया, बाकी जिसको समझना समझे, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा, उसको चाहे जितना क्लियर कर दें, समझते नहीं लोग। दूसरी चीज़ दोस्तों ये बता दूं, आज जो वीडियो आ रहा है संजू काइट्स का है, संजू काइट्स कोलकाता वाले हैं, जी हाँ कोलकाता के ऐसे काइट मेकर हैं जो बहुत सारी डिज़ाइन में पतंग बनाते हैं, इनका शौक ही है शायद इस तरह बनाने का। तो इन्होंने आज जो पतंग लाई है बहुत ही डिज़ाइनर पतंग है, और इनकी कीमत बता दूँ अधी है 22 रुपए की और पौना है 27 रुपए का। आप लोग देखिए बहुत डिज़ाइन पतंग है, मेरे ख्याल से एक ही पतंग में कम से कम नहीं तो 7-8 पेपरों से खेला इन्होंने, तो अच्छी पतंग बनाई है इन्होंने। और बाकी आप लोग देखिए, अगर आप लोग को पसंद आता तो आप लोग ऑर्डर दे सकते हो। बाकी एक वीडियो इसमें अनबॉक्सिंग का भी है जो इन्हीं का है, संजू काइट्स का, इन्होंने लखनऊ में एक सामान भेजा था, तो सामान इनका कैसा है और क्या क्वालिटी है, क्या पतंग के कलर हैं, कैसी डिज़ाइन है, आप लोग खुद भी देख लीजिएगा, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग मंगा सकते हो। दोस्तों मेरा काम है, देखिए दोस्तों सारे दुकानदार को, जो अच्छे दुकानदार हैं जो मुझे सही लगते हैं, मैं उनको पब्लिश करता हूँ, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, मैं उनको एडवर्टाइज़ करता हूँ, ठीक है। मेरा मेन मकसद है जो आप लोग हो, जो आप लोग सब्सक्राइबर हो, जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, उनको अच्छी क्वालिटी चीज़ें पहुँच सके, आप लोग घर बैठे बैठे अच्छी चीज़ें ले सको, या आप लोग लखनऊ के जो हैं, जैसे कल ही की बात है, कल वहाँ पे मेरे सामने ही इंद्रनगर के दो भाई अपने सब्सक्राइबर आए थे और उन्होंने अच्छा खासा सामान खरीदा उनके यहाँ से, सी के काइट सेंटर से, और उनको कोई गिला नहीं था, वो कह रहे थे बहुत अच्छी पतंग मिलती है, कोई बस ही नहीं है। मेरे सामने उन्होंने कम से कम तो 6-7 क्वालिटी की 10-10, 20-20 पतंगें ली, 2 चरखी उन्होंने मंजे की ली। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, देखिए जो सामान लेता है उसको सब कुछ पता है, और कुछ लोग होते हैं यहाँ पे बस देख के वो कमेंट्स करते हैं, मैं किसी के कमेंट्स भी जल्दी डिलीट नहीं करता हूँ जब तक उसमें गाली गलौज ना हो जाए।
जब गाली गलौज हो जाती है तब मैं डिलीट करता हूँ, वरना डिलीट भी नहीं करता, क्योंकि आप लोग देखो कि भाई लोग मेरी बुराई करते हैं तो भी देखो और अच्छा ही देते हैं तो भी करो। जैसे कल कोई बहस कर रहा था तो एक चैनल है लखनवी पतंगबाजी, उसने आके कमेंट में बता दिया, उनको अपने सही से समझा दिया कि वो बता रहे थे मेरी औकात, तो उन्होंने लखनऊ का पतंगबाजी चैनल था, उन्होंने बता दिया कि विकास भाई की औकात क्या है और छोटू भाई की औकात क्या है, हम लोग जानते हैं लखनऊ में रह के, आप शायद नहीं जान पाओगे, अभी आप छोटे बच्चे हो। तो वैसे ये बात होती रहती है, बाकी आप लोग वीडियो देखिए, इन्जॉय करिए। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ, 26 तारीख को बहुत बेहतरीन वीडियो आने वाला है, जी हाँ, शायद आप लोग का दिल खुश हो जाए, ऐसा वीडियो आने वाला है, तो चलिए इन्जॉय करिए, चलिए टेक केयर, बाय। हेलो व्यूअर्स, मैं संजू खाए, मेरा कुछ यूनिक डिज़ाइन आपको पास लेके आया है। पहले दिखा रहे हैं आपको अद्दी का, उसका बाद पौनी का दिखाएंगे। ये देखिए, ये सब पूरा यूनिक डिज़ाइन है, ये देखिए, ये अद्दी है, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये एक तो है, ये एक तो है, ये सब नया बनाया हम। ये वाला एक तो, ये वाला, इसमें सब में घुटाई है, ये देख, सब में घुटाई है, ये वाला, ये वाला देखिए, ये वाला, ये सब में एक तो नया बनाया हम, ये ब्लैक के ऊपर है, वो व्हाइट के ऊपर था, ये ब्लैक के ऊपर है, ये सब अद्दी है, ये आपका 25 रुपीज करके पड़ेगा, क्योंकि इसमें काम बहुत ज्यादा है, इसीलिए घुटाई है इसमें, ये देखिए, सब एक के बड़कर एक डिजाइन है, एकदम बढ़िया बढ़िया डिजाइन, ये देखिए, ये हो गया अद्दी का। अभी पौनी का दिखा रहा है, ये देखिए, ये पौनी है, इसमें सब में डिजाइन है, ये देखिए, सब में घुटाई है, सब में डिजाइन है, ये पौनी है, ये सब नया बनाया, ये वाला, ये देखिए, ये सब कटिंग करके लगाया, फेस मतलब प्रिंटेड नहीं है, ये देखिए, आपको पता चल, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, ये वाला एक तो है, ये पौनी है सब, ये वाला ये आपका पकड़ लीजिए, ये 27 से 30 तक जाएगा, चला जाएगा, जितना ज्यादा डिजाइन होगा ये कम से कम 30 के अंदर में होगा, 30 ज्यादा और नहीं होगा, ये कम से कम वो पकड़ लीजिए 27-28 में आ जाएगा, बहुत डिजाइन बनाया, बहुत थोड़ा बहुत देर के बाद ये वीडियो कर रहा है हम, तो इसीलिए सब रेडी कर रहा था, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया मेरा, तो ये बता, देखिए जो कम डिजाइन होगा उसमें वो कम में हो जाएगा, आपका 25 में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा दिखा, ये देखिए इसमें थोड़ा डिजाइन ज्यादा है, तो ये आपका 26-27 रुपया में आ जाएगा, ये देखिए, ये देखो, ये सब 30 का अंदर में चला जाएगा, 28-29 में 30 का अंदर में होगा, ये सब पौनी है,
सब एक से बढ़कर एक डिजाइन बनाया एकदम। ये सब पौनी है, और लास्ट में आपको जो दिखा रहा है वो 26 जैन के लिए हम थोड़ा अलग से बनाया। ये वाला देखिए, इसमें देखिए, ये देखिए काप ठड्डा में थोड़ा अलग से किया है, ठड्डा में भी वैसे ही है। ये देखिए, ये थोड़ा स्पेशल बनाया हम, ये भी पौनी है, ये टूर्नामेंट साइज है। ये देखिए इसमें गुटाई है सब, ये फिलहाल दो पीस बनाया। कैसे लग रहा है, अगर फीडबैक अच्छा है तो बनाएंगे फिर से अच्छा से, और भी यूनिक बनाएंगे हम। तो इसका काप ठड्डा भी देखिए एकदम बहुत बढ़िया बनने, और इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा डिजाइन दिया, यहाँ पे दिया, और ठड्डा में यहाँ पे ये साइड में भी दिया, और ये पूरा डिजाइन किया ठड्डा का, ठड्डा और काप का। ये देखिए पूरा, अगर अच्छा लगे तो हमको जरूर बताएंगे। थैंक यू, कोशिश करता है जितना बेहतरीन से जाए, आपको सही सलामत पहुंचे। ऐसे पैकिंग हुआ ऐसे बनाते जाना। अच्छा अभी आपके चेले के भी दिखा रहे, ये लखनऊ मिल जाए तब बताइएगा। हम क्या करें, ढूंढने जाएंगे, हमको कोई जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया पतंग है, कागज की है। हाँ ये पेपर ही नहीं यहाँ मिलेगा। हाँ पेपर तो दूसरा ही है। अभी इधर तुम बनाओ, करते रहो उसको, है मैम पतंगे बोले। ये पतंग बहुत बढ़िया भी निकल। अब आपके चीले की पतंग आ गई, वो भी मंगाया है, ये उसी की है, ये सब वो मंगाया है। अच्छा तो कितना पैसा दिए? अब ये नहीं बताएंगे मैम, बता दिए तो हम उनको बताएंगे। नहीं, वो हमको गुस्साएगा।
ये हमने मंगवाई है, डिजाइन देखे कितनी अच्छी। तो ये आसमान में बहुत ऊपर उड़ेगी तो डिजाइन तो दिखेगी नहीं। नहीं नहीं, डिजाइन नहीं अच्छी लगेगी जब वहाँ। एम ए क्या है? ये भी आकाश की, उसी ने मंगाई। एम ए क्या है फिर? ये वही जान सकता है। अच्छा, आर ए भी वही का है। ये उसके दोस्त की थी, आदित्य, और आर से कोई लड़की का नाम होगा। एम ए से तो आकाश हो गया, एम से क्या होगा? अब ये वही जानता मैं।